बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज DHA वैली से रिलेटेड कुछ अहम ख़बरें हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और ये प्रोग्राम बड़ा खुशी का बायस है मेरे लिए भी, और होपफुली जो मेरे व्यूअर्स हैं और हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत खुशी का बायस होगा। कुछ अच्छी न्यूज़ हैं, कुछ आपके कानों में पड़ी होंगी, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे अपने जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको भी मैं ये बात बता दूँ कि DHA वैली में कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, और ये वही न्यूज़ हैं जो जिनका मैं बारहा जिक्र करता रहा हूँ कि अगर ये अटैम्प्ट करेंगे, ये मेजर्स लेंगे, तो फिर ये जगह आबाद होगी और इसकी आबादी में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो उसी तरफ DHA वैली मैनेजमेंट ने सोचना शुरू किया है और उनने कुछ एक्शंस लिए हैं। उन एक्शंस में सबसे पहले तो ये है कि जो पोजीशन है वो दिए हैं 19 जनवरी 2023 को, और ये वो पोजीशन है जो कि प्लॉट अगेंस्ट होम्स थे। अब कितने प्लॉट अगेंस्ट होम चुके हैं उसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि ये कोई 6 मरतबा इससे पहले, टोटल 7 मरतबा ये दे चुके हैं प्लॉट अगेंस्ट होम। सबसे पहले उन्होंने 135, 90, 25, 79, 28, 46 और अब 19 जनवरी को 59, ये टोटल बनते हैं 562। अब ये 562 इसमें से निकल गए, तो बाकी क्या बचा? इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनती है जिसकी अंदर ये तफसीलात होंगी कि टोटल होम्स थे कितने और उसमें से कितने रह गए, यानी 562 लोग निकल गए तो बाकी कितने रह गए। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि ये जो पोजीशन प्लॉट्स की दी है, इसके साथ कंस्ट्रक्शन की इजाज़त भी मिल रही है, और इस कंस्ट्रक्शन की इजाज़त के लिए क्या तरीका है वो आपको DHA वैली में ऑफिस जाएंगे तो वो आपको बताएंगे अप्रूवल्स के। दूसरी अहम तरीन खबर है कि डबल स्टोरी अलाउ हो गया है ऑन एग्जिस्टिंग 5 मरला होम्स और जो बने हुए और प्लॉट्स जो आपको दिए गए उनके ऊपर। इसका तरीकाकार क्या होगा, इसके लिए आपको DHA वैली के ऑफिस ज़रा विज़िट करेंगे तो आपको वहाँ की मैनेजमेंट इसकी तफसीलात बता देंगे। ये बहुत ही अच्छा इकदाम है, बिकॉज जिन लोगों के पास 5 मरला प्लॉट थे, बाकी पाकिस्तान में दीगर जगहों के ऊपर 5 मरला पे लोग बनाते हैं, डबल स्टोरी बनाते हैं, ट्रिपल भी बनाते हैं, बट यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी जिसकी वजह से इसकी मांग कंपैरेटिवली कम थी, कि और एक फैमिली है वो अपना फैमिली उनकी बढ़ रही है या उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है स्पेस की, तो वो क्या करें। तो ये 5 मरला जो उन्होंने दिया है डबल स्टोरी बनाने की परमिशन, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टेप। और इससे भी अच्छा स्टेप ये है कि जो पोजीशन दिए और परमिशन टू कंस्ट्रक्शन की हम बातें सुन रहे हैं कि ये हो गई है, ये दो बहुत अच्छे हैं। मैं उसके अलावा एक और अच्छा आपको जो बता, ये वो सारे स्टेप्स हैं जो इसको इस सोसाइटी को आबाद करने की तरफ जाएंगे। तीसरा बड़ा अच्छा स्टेप है इसके अलावा, वो है कि हाई राइज बिल्डिंग का, जब जुलाई के अंदर ये बैलेटिंग हुई थी जुलाई की 22 के अंदर, तो उस वक्त और उससे पहले भी ये बातें आ रही थी, लेकिन हमने इसका जिक्र इसलिए नहीं किया कि ये बात कोई पक्की नहीं थी, बट इस बात की बाजगश्त और इसकी आवाज़ और गूंज अब ज़्यादा आना शुरू हो गई है, ज़्यादा आना शुरू हो गई है, मीन्स के DHA वैली मैनेजमेंट को इस बात का इदराक है, उनको इस चीज़ की समझ है कि जितने टोटल अलॉटीज थे वो शायद उनको उन सब के लिए जगह एक्वायर करने में बहुत टाइम लगे। तो उसका एक सोल्यूशन ये निकाला गया जो कि पहले थोड़ा सा अंडर डिस्कशन था, अब ये डिस्कशन ज़्यादा लाउडली हो रही है और कुछ इस तरह की बातें भी आ गई कि दे आर प्लानिंग टू मेक हाई राइज बिल्डिंग। हाई राइज बिल्डिंग होगी गुड अबाउट 11 स्टोरी बिल्डिंग होगी, और ये प्रॉबेबली उन लोगों को एडजस्ट करने के लिए दी जाएगी जो अभी नॉन पोजिशन वाले हैं या जिनकी जगह अभी वैली एडमिनिस्ट्रेशन एक्वायर नहीं कर सकी। ये वो तीन, बल्कि चौथा एक और चीज़ बता दूं जिसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बाजगश्त है, वो ये कि नेक्स्ट बैलेटिंग प्लान है एंड फरवरी और स्टार्ट मार्च 2023 के अंदर। डेफिनेटली ये अगेन अ गुड स्टेप, ताकि जितने लोग हैं सबसे पहले तो आप उनको उनके उनकी जो पोजीशन है, ये अलॉटमेंट है, उसको एड्रेस करें, उसके बाद ये आबादी की तरफ बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला, हमें बड़ी अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है। ये चार काम ऐसे थे जो हमने इससे पहले आपको बताए हैं जो इसको आबाद करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो अगली दो चीज़ें बता रहा हूँ आपको वो भी हैं इसके ज़रूरी आबाद करने के लिए, बट वो सप्लीमेंट्री हैं, वो हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है। पानी का मसला, यस डेफिनेटली पानी का मसला है, यहाँ पर पानी टैंकर से लेके आते हैं, बट पानी आ रहा है, किसी को शॉर्टेज इस तरह फील नहीं हुई कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। बट एक एडिशनल काम उन्होंने किया कि एक वाटर रिजर्वायर
प्लान कर रहे हैं बनाने के लिए। अभी तो प्लान किया है, बनेगा, उसके अंदर वाटर जमा होगा, उसकी फिल्ट्रेशन होगी, बट अगेन टाइम टेकिंग। बट उसके अंदर कुछ ऐसे वाटर वेज हैं जिसको वाटर रिजर्वायर के तौर पर रेन वाटर कलेक्शन और इस तरह करके बनाया जा सकता है। तो एक वाटर रिजर्वायर की बात हो रही है जो इंशाल्लाह ताला बन जाएगा। जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो इनकी डिटेल हम आपको और बताएंगे। और एक दूसरा है कि अस्तबल, उर्दू में मस्तबल कहते हैं, इंग्लिश में स्टेबल। तो घोड़ों का एक अस्तबल बनाया है कि यहाँ पर एक्टिविटी जनरेट्स हो, के हॉर्स राइडिंग की और इस तरह की। तो ये एक प्लान है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो DHA वैली मैनेजमेंट ने स्टार्ट की हैं, अनाउंस की हैं और कुछ स्टार्ट किए हैं। वी होप कि ये इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें इसी तरह आगे चलें जैसे कि मैं होपफुल था, और ये इंशाल्लाह ताला इसको आबाद करने में बड़ी मददगार साबित होंगी। बट इन सारी बातों के आगे के अलावा जो बात मैं हर मर्तबा कहता हूँ, और मैं इस चीज़ का अभी भी मैं इसका दाई हूँ, समझें इसका दावेदार हूँ, कि जो होम्स हैं दे आर द बेस्ट प्लेस टू लिव। और होम जो हैं ये अभी जिस प्राइस पर मिल रहे हैं ये आपको अगले आने वाले दिनों में ये नहीं मिलेंगे। पूरे इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में, DHA में इस प्राइस पे बना हुआ होम आपको नहीं मिल रहा। स्टिल देयर इज चांस। अगर होम के बारे में कुछ जिनके पास हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा, स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि होम्स को अपने पास होल्ड रखें, अनलेस कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेचने की। अदरवाइज़ होम्स जो है आपको बहुत अच्छा गेन दे के जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के साथ, इस छोटी सी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ अपना ख्याल रखिएगा। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी इस पर कॉमेंट्स करें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।